बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कुल्लावीर मंदिर में पहुंचकर व्यापार मंडल प्रकोष्ठ की जनसभा की और शिलान्यास किया। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से बनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा के ऊपर जमकर निशाना साधा। इस दौरान नगर विधायक अनुपमा जायसवाल, प्रागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी, मासी विधायक सुरेश्वर सिंह, बलहा विधायक सरोज सोनकर, सांसद अच्छे बरलाल गौंड, पूर्व सांसद पदम सिंह चौधरी, बैराज तिवारी, नीरज सिंह एवं भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद रहे। देखिए बैराज से मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। मामले में आपने क्या किया? उसकी कमेटी गठित है, जल्दी निर्णय लेंगे। सर एक बात अभी हम आपने कहा, अरे डिप्टी सीएम साहब आपने एक बात अभी कही कि मोहम्मद अखिलेश अली जिन्ना आडवाणी साहब आपसे, अखिलेश अली से पहले उन्हें मजार पे जाकर के इन्होंने पाकिस्तान में जाकर किया था, तो उस पर क्या कहना आपका? आडवाणी साहब तो जिन्ना की पहले कसीदे पढ़ चुके हैं। देखिए आप जो सवाल पढ़ लीजिए उसको और ध्यान से, ध्यान में आएगा। आडवाणी जी और अखिलेश जी की तुलना तो कभी करिए, कहाँ आकाश की ऊंचाई जैसे देश की सेवा करने वाले आदरणीय आडवाणी थे और कहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया के रूप में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले अखिलेश जी को। और विपक्षी दलों ने भी किसान आंदोलन पर समर्थन दिया, तो क्या यह माना जाए कि इसमें किसानों जीत हुई, विपक्षी पार्टी की जीत हुई, उनके बयान को आपस लेने की हार हुई है ना किसी की जीत हुई है? माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के हित में, देश के 130 करोड़ लोग हित में सदा सोचते हैं। हम नहीं समझा पाए, उन्होंने कहा है कि हमारी जो योजना थी या हमारी सोच थी और बिल लाने का जो उद्देश्य था पवित्र था, किसान के हित में था। हम नहीं समझा पाए किसानों को, वापस दे दिए। चुनाव में बैठक में क्यों आना पड़ा? अभी आपने कहा यहाँ पर समस्या मिले।